नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। यात्रा से जीतेंगे राहुल हरियाणा, ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा में राहुल गांधी के विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई और आज यात्रा का दूसरा दिन है। ये यात्रा हरियाणा में कांग्रेस की जीत का संकल्प है और खास बात यह है कि राहुल की इस यात्रा का रूट उन जिलों से होकर गुजर रहा है जो एक तरह से बीजेपी का गढ़ है, जहां बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में मानी जाती है। तो राहुल की ये यात्रा बीजेपी को कितना डेंट पहुंचाएगी, देखिए इस रिपोर्ट में। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, मैं कहती हूँ ये आपके सम्मान की लहर है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी है, ये सब बीजेपी की पार्टी है। राहुल बाबा हरियाणा के पर्यटन पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है। हरियाणा की जनता भी इससे कुछ सवाल करेगी। अंबाला के नारायणगढ़ से ये राहुल गांधी की ओंकार है। ये अभी भी स्कीम नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद अब हरियाणा की धरती पर राहुल गांधी का ये हरियाणा विजय संकल्प यात्रा का शंखनाद है। जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया, उतना पैसा हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालेगा। ये बीजेपी के घर में कांग्रेस का हल्ला बोल है। अगर आप कहते हो कि अदानी का पैसा माफ होगा, तो फिर किसान का होगा, मजदूर का होगा, स्टूडेंट का होगा, माता बहन का होगा। हम ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का। आने वाला शनिवार यानी 5 अक्टूबर को हरियाणा में नेताओं की किस्मत जनता ईवीएम में कैद कर देगी। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, जोर आजमाइश का दौर चरम पर है। एक तरफ बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता वापसी की राह तलाश रही। माहौल चुनावी है, ऐसे में दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नेताओं के दौरे का दौर अपने चरम पर पहुंच चुका है। हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी धार को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी ने कमान संभाल ली, जिसका ताजा उदाहरण ये तस्वीरें हैं। अंबाला की धरती से राहुल गांधी ने हरियाणा संकल्प यात्रा का आगाज किया। हजारों की तादाद में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर इस यात्रा का हिस्सा बने। राहुल गांधी ने रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी को साफ संदेश दे दिया कि इस बार विचारधारा की लड़ाई में जनता कांग्रेस का साथ देने जा रही है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय। एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को किसान और पहलवान विरोधी पार्टी करार दे दिया। जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया, उतना पैसा हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालेगा। एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ करकर, किसान को गारंटी एमएसपी हरियाणा में। हरियाणा में दलित वोट बैंक को साधने के लिए राहुल ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल ने साफ कहा कि जातिगत जनगणना से ही पिछड़े और दलितों का विकास हो सकता है। हम ये जानना चाहते हैं इस देश में कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि इस देश का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, ये हम पता लगाना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलित वोट में सेंध लगाने और वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर यात्रा वाली रणनीति अपनाई। दरअसल हरियाणा चुनाव में बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश में जुटी। साथ ही वो जनता के बीच ये संदेश दे रही है कि वोट कांग्रेस को नहीं, हुड्डा यानी जाट नेता को जाएगा। इसी नैरेटिव को कांग्रेस तोड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं और रणनीतिकारों का ये दावा है कि इस यात्रा के जरिए ही
कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में आपसी विश्वास और सामंजस्य की स्थापना हुई थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या में इजाफा हुआ तो इसका श्रेय भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ही दिया गया। ऐसे में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने यात्रा वाला दांव चढ़ा है। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की इन यात्राओं के जरिए हरियाणा में बीते 10 सालों के जीत के सूखे को खत्म किया जा सकता है। उधर राहुल की रैली को अपार जन समर्थन मिलता दिखाई दिया। जहां जहां से राहुल का कारवां गुजर रहा था वहां भारी भीड़ देखने को मिली। उधर राहुल गांधी ने इस रैली के माध्यम से कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी खत्म होने का संकेत भी दिए। दरअसल सीएम फेस को लेकर कांग्रेस काफी समय से दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही थी। कई मौकों पर सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी एक दूसरे से दूर दूर नजर आते रहे। हालांकि राहुल गांधी इन दोनों ही नेताओं को एक मंच पर लाकर संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। उधर राहुल की इस यात्रा में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी नजर आई। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। हुड्डा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूँ ये आपके सम्मान की लहर है। ये सम्मान की लहर जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है इसको और भी मजबूत बनाइए। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, आपका सम्मान आ रहा है। राहुल गांधी ने अग्निवीर से लेकर अडानी अंबानी तक का जिक्र कर बीजेपी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा अग्निवीर पेंशन चोरी का तरीका है और अग्निवीर का पैसा अडानी अंबानी को जा रहा है। ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी के जेब। दरअसल कांग्रेस की रणनीति है कि आखिरी के 3 दिन में यात्रा कर दलित वोट को बिखरने से बचाया जाए और चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट ना होने दिया जाए। राहुल ने चुनावी प्रचार की शुरुआत भी करनाल की असंध सीट से ही की थी, जो कि शैलजा कैंप के उम्मीदवार के लिए की गई थी। यानी दलित और पिछड़ों को साधने के लिए कांग्रेस ने अपना आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण दांव चल दिया है। पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस सरकार। भाजपा के दिन लद गए हैं। केंद्र में तो आपने मोदी जी को कॉर्नर किया हुआ है। हरियाणा में भाजपा ना नीति है ना नेता है। लोग इंतजार में हैं कि कब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके, वो दिन आ गया है। दरअसल राहुल गांधी की इस रैली का रोड मैप क्या है और इसका प्रभाव क्या होगा, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल हरियाणा में एक सियासी इलाका है जिसे जीटी रोड बेल्ट कहा जाता है, जो कि जो भी पार्टी जीटी बेल्ट रोड की सीटें जीतती है वही पार्टी सत्ता में आती है। ये रहा, ये हरियाणा का ट्रेंड रहा है और इसलिए जीटी रोड बेल्ट पर हर पार्टी का फोकस रहता है और ये इलाका आमतौर पर गैर जाट बाहुल्य है, इसलिए बीजेपी के लिए सियासी रूप से उपजाऊ है। 2014 में बीजेपी ने यहां पे 29 में 21 सीटें जीती, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, फिर 19 में आई मात्र 14 सीटें जीती और आप जानते हैं नतीजा, अपने दम पर सरकार बनाने से चूकी, जेजेपी साथ आई, 10 सीटों की बदौलत बीजेपी फिर से सत्ता में आई। ऐसे में इसी जीटी रोड बेल्ट को ध्यान में रखकर राहुल गांधी की यात्रा का रोड मैप पूरा तैयार किया गया है। कहां कहां से गुजरेगी हम आपको एक एक करके 3 दिनों का पूरा खाका दिखाते हैं। ब्यौरा, पहला दिन देखिए, शुरुआत अंबाला से। कहां से गुजरेगी? सदौरा, मुलाना, शाहबाद, लाडवा। कहां खत्म होगी? थानेसर कुरुक्षेत्र में जाकर के यात्रा खत्म हो जाएगी। इसके बाद दूसरे दिन का कार्यकाल, दूसरे दिन क्या कुछ होने वाला है? शुरुआत होगी बहादुरगढ़ से। कहां से गुजरेगी? 14 विधानसभा सीटों को राहुल गांधी कवर करेंगे। खत्म होगी जाकर के गोहाना में। तीसरा दिन भी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि ये दक्षिणी हरियाणा पर फोकस है और क्योंकि यहां भी 29 विधानसभा की सीटें आती है, बहुत अहम होने वाला है। दक्षिणी हरियाणा से गुजरेगी राहुल गांधी की यात्रा और कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए दक्षिणी हरियाणा भी बेहद अहम माना जाता है। अब चलिए हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के मायने हम आपको समझा देते हैं, क्या करने की कोशिश है, तो एक एक करके उस पर नजर डालते हैं। ये भी आपको मैं पॉइंटर्स के जरिए दिखाती हूं।
नॉन जाट इलाके में पकड़ को मजबूत करना, जो कि बीजेपी का गढ़ है, यहां पर सेंध लगाना, क्योंकि यहां बीजेपी की स्थिति मजबूत है। दूसरा ये नजर आता है, दलितों को खासकर पिछड़ों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो इन पर फोकस कर रहे हैं राहुल गांधी के जरिए। आज एक बार फिर आरक्षण पर बोला राहुल गांधी ने, इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा राहुल गांधी के जरिए। कांग्रेस की कोशिश जो है वो क्या नजर आ रही है, वो कुल मिलाकर यह दिखती है कि 30 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत किया जा सके, जो इस के अंदर जहां पर वो भ्रमण करने वाले हैं वहां आती है, और इसके माध्यम से बीजेपी के किले में सेंधमारी का जबरदस्त प्लान है, फुल प्रूफ प्लान। यानी अब ये लड़ाई चुनाव के आखिरी छोर पर आते आते राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी नजर आ रही है, और मुद्दों के ज्वार में राहुल गांधी नाम की बैतरणी कांग्रेस का किस हद तक बेड़ा पार करवाएगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बदलते वक्त के साथ राहुल गांधी ने अपने प्रचार का तरीका भी बदला है, जिससे बीजेपी को लगातार टेंट पहुंच रहा। राहुल गांधी ये समझ चुकी है कि अगर बीजेपी को मात देनी है तो फिर उसे उसी के गढ़ में चैलेंज देना होगा, साथ ही अगर जंग जीतनी है तो फिर उसके सेनापति पर ही वार की तरकीब भी राहुल समझ चुके हैं। यही वजह है कि अपनी यात्रा का आगाज राहुल ने अंबाला के नारायणगढ़ से की, क्योंकि अंबाला के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र पूर्व में मौजूदा सीएम नायब सैनी का चुनाव क्षेत्र भी रह चुका है। साथ ही इस यात्रा के दौरान राहुल लाडवा से भी गुजरे, जहां से सीएम नायब सिंह इस बार प्रत्याशी। यही नहीं, पहले दिन की यात्रा का अंत उस कुरुक्षेत्र से हो रहा है जहां से कभी नायब सिंह सैनी सांसद रहे, यानी सीधा सीएम के पूरे बेल्ट को राहुल गांधी ने टारगेट किया, ताकि इस इलाके में सेंधमारी कर बीजेपी को करारा डेंट पहुंचाया जा सके। हालांकि नायब सिंह सैनी ने राहुल की इस यात्रा को लेकर साफ कहा है कि जनता कांग्रेस और राहुल के आरक्षण विरोधी चेहरे को पहचान चुकी है, ऐसे में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। हरियाणा की जनता भी इससे कुछ सवाल करेगी कि राहुल बाबा, आपने जो संविधान की भूख उठा करके वो बोला था कि मोदी आएगा आरक्षण खत्म करेगा, इसके बारे में हमारा हरियाणा का दलित आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वोटिंग के ठीक पहले हरियाणा में राहुल गांधी की पदयात्रा ने बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल राहुल गांधी जिस जीटी रोड के इलाके से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वो जीटी रोड बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में इसी जीटी रोड के आसपास की तकरीबन 27 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था और हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने में सफलता पाई थी। ऐसे में अगर राहुल गांधी का इस पदयात्रा का करिश्मा लोकसभा चुनाव की तरह ही चला तो बीजेपी के लिए सत्ता में पहुंचने की उम्मीद पर बड़ा ताला लग सकता है। दरअसल जिस जीटी बेल्ट से राहुल ने पदयात्रा की शुरुआत की, उससे बीजेपी के कई दिग्गज नेता आते हैं। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा बड़े नेता अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा और महिपाल ढांडा भी इसी बेल्ट से आते हैं। पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी की पदयात्रा आखिरी ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी जैसी साबित होगी। इसके बूते पर पार्टी 60 सीटों के नजदीक पहुंच सकती है। उधर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार राहुल पर हमलावर नजर आ रही। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों राज्यों में चुनते वक्त तो सारे वादे किए, मगर एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। राहुल बाबा की सारी गारंटियां फूस हो गई है, फूस। राहुल गांधी जितना आएंगे यहां पर उतना ही भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। जो इन्होंने विदेश में जाके बयान दिया कि हम रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, लोग गुस्से से भरे हुए हैं, लोग कांग्रेस से हिसाब किताब करना चाहते हैं। हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कड़घरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। उधर राहुल गांधी हरियाणा के क्षेत्रीय दलों को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें बीजेपी के बी टीम करा दिया। ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी है, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टी है।
तो बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी की यात्रा क्यों? तो जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया, वो कारण एक एक करके फिर आपको गिनवा देते हैं। देखिए, जीटी बेल्ट रोड जो मैं आपको बता रही हूं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को सत्ता मिलाने के लिए जीटी बेल्ट रोड बेहद अहम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहां पर कुल मिलाकर के 29 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब अगर मैं 14 की बात करूं, थोड़ा पिछला इतिहास आपको याद दिलाऊं, तो क्या हुआ था? देखिए, कांग्रेस जीटी बेल्ट में खाता तक नहीं खोल पाई थी, ये हालात थे कांग्रेस के लिए। फिर 19 में क्या हुआ? 19 में हालात हालांकि सुधरे, बीजेपी कम पर आई, 21 से 12 पर आ गई, कांग्रेस 9 सीटें जीतने में कामयाब रही, 0 से 9 पर गई। अब इसके अलावा सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की भी यहां पर कोशिश नजर आ रही है राहुल गांधी के जरिए, यानी कि बीजेपी के गढ़ में जो नॉन जाट लैंड के तौर पर बीजेपी के लिए तुरूप का पत्ता है, अगर यहां राहुल गांधी के पहुंचने से उनके जरिए कांग्रेस अपने मकसद को साधने में कामयाब रही, तो जाहिर है हरियाणा की सत्ता में वापसी के साथ साथ राष्ट्रीय पटल पर राहुल की छवि और चमकेगी, राहुल की लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने का काम करेगा ये, और इसके जरिए 29 की लड़ाई में न सिर्फ मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस, बल्कि पीएम मोदी के समकक्ष विपक्ष एक चेहरा खुलकर प्रोजेक्ट कर पाएगा, जिसका अभाव माना जाता है, और वो चेहरा राहुल गांधी का होगा। खबर मतलब न्यूज़ 24।